पितुर दुर्योधन के यहाँ के जो मंत्री हैं दुर्योधन के राज्य के, वो विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे, राजन कौरव पांडवों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मेरा आपसे कहना है उनको आपको ज्यादा ना दें, केवल 5 गांव ही दे दें। इतनी बात महाराज विदुर जी कह रहे थे, इतने में ही दुष्ट दुर्योधन आ गया और जैसे ही विदुर जी के मुख से सुना 5 गांव, गर्जना करते हुए बोला, काका सुशीघ्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो ठाकुर जी से कहा वही बात विदुर जी से भी कह दी कि मैं बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता, और विदुर जी खाते मेरा हो और बजाते उन पांडवों की हो, ये अच्छी बात नहीं, यहाँ थाली में खाते हो यहीं छेद करके चले जाते, जाओ आज से तुम्हारा मंत्री पद अब तुम्हारे पास नहीं है। विदुर जी का मंत्री पद दुष्ट दुर्योधन ने छीन लिया और राज्यसभा से निष्कासित कर दिया। जब महाराज विदुर जी को सभा से निष्कासित कर दिया गया, विदुरानी जी आकर रो रही, स्वामी अरे हमारे पास जब मंत्री पद था तो कितना ऐसो आराम था, लेकिन आज वो सुख चला गया, सब नष्ट हो गया, अब हम किसके सहारे कहां जाएंगे। याद रखिएगा, तुम्हें सब छोड़ने चलेगा लेकिन भगवान कभी ना छोड़े ये नहीं चलेगा, भगवान ना छोड़े ऐसा प्रयास करो, प्रभु हाथ ना छोड़े। विदुर जी कहते मुझे इसका कम नहीं, मुझे इसका कम नहीं कि बदल गया जमाना और मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना, सारा समाज बदल जाए चलेगा पर कन्हैया मुझे ना छोड़े, हम सदैव ऐसा प्रयास करें। विदुर जी कहते हैं अरे जिसने जन्म दिया वही तो अन्न दे रहा है, और याद है ना विदुरानी, जब दाते नहीं तब दूध दियो, अब दात दिए तो अन्न भी दे दो, जब दात नहीं थे तब परमात्मा ने दूध की व्यवस्था कर दी, आज यदि घर छोड़कर जा रहे तो वो परमात्मा कहीं ना कहीं तो रहने का बंदोबस्त कर देगा, हम भी दुनिया छोड़ दे तो चले, बिहारी जी के सहारे चल दीजिएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा मुकाम आएगा, वो गिरधारी बाहों में ले लेगा। विदुर जी सारा राज त्याग कर चले हैं और चल करके जा रहे विदुरानी के साथ जंगल में, जंगल में जाकर पहुंचे, एक पर्ण कुटी बनाई, फूस घास फूस की कुटिया, उसमें दोनों रहने लगे। एक दिन सुबह सुबह विदुर जी उठे तो देखा नगर बड़ा सज रहा है, फूल माला लगी हुई है। विदुर जी ने कहा भैया कोई बताएगा आज नगर सज क्यों रहा है। तब महाराज एक आकर के युवक बोला तुम्हें नहीं पता आज कन्हैया शांति दूत बन के आ रहे हैं। दौड़े दौड़े विदुर गए विदुरानी को बताया, काकी विदुरानी रोने लगी, बोली स्वामी पहले आप मंत्री थे पद बड़ा था, हजारों की भीड़ में भी हम ऊंचे सिंहासन पे थे तो गोविंद से मिल लिया करते थे, आज न पद है न प्रतिष्ठा है, हजारों की भीड़ में हम आम आदमी के बीच में खड़े होंगे, वो कन्हैया हमें कैसे ढूंढेगा। तब विदुर ने कहा विदुरानी लगता है तूने परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं किया, जो परमात्मा से सच्चा प्यार करते हैं ना उनको भगवान हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेते हैं, हजारों की भीड़ में ढूंढ लेते हैं। आज महाराज भगवान का रथ हस्तनापुर आया, आकर के रुका, और जैसे ही रुका रथ आकर के उसी समय महाराज दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, 56 प्रकार की मेवा रखी, आप इनका भोग लगाओ ना प्रभु, आओ भोग लगाओ। और जब कहा भोग लगाओ तो भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, व्यक्ति किसी के घर दो ही मजबूरी हो तो खाता है, या तो अपने घर से कोई भूखा चला हो तो महाराज वो खा लेता है, भले कोई दुश्मन भी खिलाए भूखा है तो खा लेगा, या फिर वो कितना भी खाकर चला हो कोई प्रेमी उसका कह दे थोड़ा थोड़ा चलेगा तो प्रेम के बस कितना भी पेट भरा हो तो खा लेता है। कन्हैया जी कहते हैं घर से खाकर चला हूं इसलिए भूख है नहीं और तुम्हारे अंदर इतना प्रेम नहीं कि मैं पेट भरने के बाद में भी खा लूं। 56 भोग त्याग दिए हैं,
और आज भरी सभा में पितुर जी खड़े थे, गर्जना कर दी गोविंद ने, मेरा तो निमंत्रण काका विदुर के यहाँ पूर्व से ही है। विदुर जी गदगद हो गए, बोले विदुरानी मैंने कहा था ना वो परमात्मा बड़ा दयालु है, हम उसको न देख पाए पर वो हमें जरूर देख लेगा, वो दयालु है, कृपालु है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, भक्तों पर कृपा करने वाला है। विदुरानी से महाराज विदुर जी कहते अब ये कन्हैया पता नहीं कब क्या बोल दे, कोई गारंटी नहीं, अब इसने तो कह दिया और घर में कोई व्यवस्था तक नहीं, और ये पता नहीं कब आके टपक जाए, जल्दी चलो घर और जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त करो, लाला बहुत दूर से आया है। विदुर जी ने थैला उठाया और मिश्री माखन लेने गए हैं, और विदुरानी ने आंगना लीपा, और लीपने के बाद में गाय के गोबर से चौका लगाया, आसपास केले के कदली फल महाराज जो हैं वो सजाए हैं चारों ओर से, और जल्दी जल्दी सोचा कहीं भगवान आए और हम नहा ना पाए, इसीलिए महाराज स्नान किया और माता स्नान कर रही है, और इतने में प्रभु मेरे आ रहे हैं, माता विदुरानी प्रतीक्षा कर रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। काकी विदुरानी घर में प्रतीक्षा कर रही थी, स्नान कर रही हैं, इतने में श्री ठाकुर जी महाराज का आगमन हुआ है, चल करके आए हैं, माता प्रतीक्षा कर रही है। ही जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, और मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, और हाथ से ताली की सेवा करके कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। बोलिए विदुर जी महाराज की जय हो। जग जाएगा जीवन जग जाएगा जब खाना आएगा, जीवन जग जाएगा जब खाना आएगा, और दोनों हाथ उठा के मेरे आंसू पोंछ के मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे अपना बनाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, बाके बिहारी लाल की। और विदुरानी कहती है हे ठाकुर जी
तुझसे उम्मीद थी तेरा ही सहारा था, तुझसे उम्मीद थी तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब में कोई ना हमारा था, निर्बल गरीब में कोई ना हमारा था। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। तब आएगा मेरा सांवरिया, तब आएगा मेरा सांवरिया, तब आएगा मेरा सांवरिया, तब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। माता विदुरानी प्रतीक्षा कर रही, दरवाजा खटका है, खटका माँ स्नान कर रही, और जैसे ही दरवाजा खटका तो माँ को लगा कहीं भगवान आए लौट ना जाए। जल्दी जल्दी में स्नान करते करते भक्त का प्रेम इतना चरम सीमा पे पहुंचा कि महाराज विदुरानी को होश नहीं रहा कि मेरा तन ढका है या खुला है। निर्वस्त्र होकर काकी विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, आकर दरवाजा खोला, और जैसे खोला तो श्यामरी सरकार सामने खड़े थे। हाथ पकड़ा है विदुरानी ने प्रभु का और कहा, प्रभु चलो ना, घुमाने लगी चारों ओर, प्रभु आइए चारों ओर, कहां ले जाऊं प्रभु आए, कहां बिठाऊं समझ नहीं आ रहा। दौड़ी दौड़ी गई विदुरानी, गरीब है पर दरिद्र नहीं है, याद रखिए। गरीब कौन होता है, मैं पूर्व में भी जब आया था तब भी बताया था, गरीब वो है जिसको भगवान ने थोड़ा कम दिया, ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको कभी ज्यादा की इच्छा भी नहीं, वो गरीब है। और दरिद्र वो है जिसको भगवान ने बहुत दिया फिर भी उसका मन नहीं भरता, वो दरिद्र है। विदुरानी गरीब है, दौड़ कर गई, जाकर के देखा कहां बिठाऊं प्रभु को, फटा आसन मिला, डाल दिया। कन्हैया से कहा प्रभु बैठ जाओ, प्रभु बैठ गए हैं आनंद से। प्रभु बोले काकी बड़ी तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दो ना। लोग कहते भगवान आते नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब भाव बिना बाजार में, जब भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना मैं मिलूं कैसे, मैं तो बहुत अनमोल। बिना भाव के संसार में सामग्री नहीं मिलती, तो बिना भाव के गोविंद कैसे मिल सकते हैं। हृदय से भाव से बुलाओ तो आएंगे ना प्रभु, भाव होना चाहिए। लोग कहते भगवान आते नहीं, लेकिन जब प्रेम से बुलाएं तो भगवान आते हैं। कब आएंगे, जब तुम हृदय रूपी फ्रीजर में, जब तुम हृदय रूपी फ्रीजर में भावना रूपी बोतल में भगवान को कैद कर लोगे, वो गोविंद सदा सदा के लिए तुम्हारे हृदय रूपी फ्रीजर में वास कर लेगा। ऐसी भक्ति करो ना काकी के जैसी। प्रभु कह रहे मैया भूख लगी जल्दी कुछ लाओ, काका तो बाजार गए हैं। दौड़ कर गई कदली फल, केले के फल लेकर के आई, और परमात्मा कह रहे जल्दी खिलाओ। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम इतना चरम सीमा पे पहुंचा कि माता विदुरानी छिकल छिकल महाराज ठाकुर जी के मुख में ले जा रही और गुदा गुदा नीचे डाल रही है। कितने लोग चाहते हैं ऐसे ही भगवान हमारे घर आए, हाथ उठाओ जो चाहते आए, सभी चाहते हैं। तो आज भोग लगा रहे हैं भगवान विदुरानी के हाथों से, तुम भी कहो हे छोटा सा परिवार हमारा, छोटा सा परिवार हमारा, भोग लगाते रहना
ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना सवैया, आते जाते रहना सवैया, आते जाते रहना। ओ छोटा सा परिवार हमारा, छोटा सा परिवार हमारा, भोग लगाते रहना, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना, ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना। एक बार दोनों हाथ उठा के गए, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना। छोटा सा परिवार हमारा, छोटा सा परिवार हमारा, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना, ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना। और ये तो रानी जी ठाकुर जी से कह रही है, क्या कह रही है, ये मत समझो गरज हमारी इससे तुम्हें बुलाते हैं, ये मत समझो गरज हमारी इससे तुम्हें बुलाते हैं, हमने सुना तुम प्रेम के भोगे इससे भोग लगाते हैं, हमने सुना तुम प्रेम के भोगे इससे भोग लगाते हैं, वो भाव से भोग सजाया, भाव से भोग सजाया, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना सवैया, आते जाते रहना सवैया, आते जाते रहना। हरि बोल। छोटा सा परिवार हमारा, छोटा सा परिवार हमारा, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है सवैया, आते जाते Yeah.
छिकल छिकल ठाकुर जी के मुख में है और गुदा गुदा नीचे गिर रहा है। हाथ पकड़ लिया विदुरानी का, ये क्या कर रही हो, तुम्हें दिखता नहीं लाला इतने दिन के बाद आया और तूने खिलाया तो क्या खिलाया, छिकल खिला दिया गुदा गुदा नीचे डाल दिया। तब ठाकुर जी पता क्या बोले, काका आपने जो प्रेम बरस रहा था उसमें बाधा प्रकट कर दी, मुझे फलों में प्यार नहीं है, मुझे तो मेरा भक्त प्यार से जो खिलाए भाव से खिलाए मुझे तो केवल उससे प्यार है, मुझे मेवा प्यारी नहीं, मुझे नैवेद्य प्यारा नहीं, मुझे तो भक्त का एक फूल भी भाव भरा प्यारा है। भाव नहीं तो पत्थर में भी दिख देना भगवान, प्रेम से भोग लगाया है। लोग कहते हैं हमारे घर भगवान आते नहीं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं ना गंगा जल हो ना मेवा मिश्री विदुर भाव से कोई खिलाते नहीं है और कहते हैं भगवान आते नहीं, अंदर वो प्रेम नहीं है जो भगवान चल करके आए। आज भगवान ने प्यार सहित भोग लगाया और
यहाँ पर बात सिद्ध हो गई है कि जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। आज महाराज सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुंदर कथा सुनाई कि भगवान कभी बिरादरी और जाति पात से नहीं मिलते हैं। आगे के क्रम में महाराज सुखदेव जी राजन परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान ने कहा मनु सत्रुपा से जाओ, जाकर के पृथ्वी पे जाओ और वहां जाकर सृष्टि की रचना करो, विस्तार करो। और जब मनु और सत्रुपा सृष्टि का विस्तार करने आए ना, भगवान सुखदेव कहते राजन परीक्षित, भगवान नारायण ने एक दिन कहा मनु सत्रुपा जाओ जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। और जब पृथ्वी पर मनु सत्रुपा आए तो देखा पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को तो महाराज वह जो है वो रसातल में चली गई। कहां गई? रसातल में गई, तो सृष्टि की रचना कैसे हो? एक जो राजा हुए जिनका नाम है कश्यप, और कश्यप की 13 पत्नियां हैं। कितनी हैं? 13 पत्नियां। इनमें से इनकी जो दिति नाम की रानी है, इसको कोई संतान नहीं थी। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, किसी रानी को संतान ना हो और अनेक जो रानियां उनको संतान हो जाए तो वो रानी का जीना दुश्वार हो जाता है ना। किसी पत्नी को संतान हो जाए दूसरी को ना हो, एक राजा की 3 रानी और एक को संतान हो गई 2 को नहीं हुई, तो फिर वो सोचती राजा हमको ज्यादा प्यार नहीं करेगा। तो जो दिति है उनको संतान नहीं है। इन्होंने आकर के कहा कश्यप महाराज से, हे प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो। कश्यप जी ने कहा देखो प्रिय, कभी भी भगवान के बिना इच्छा के कुछ नहीं मिलता। भगवान की इच्छा होगी तब मिलेगा ना। बेटा नहीं हुआ, लोग परेशान है दुनिया में, हर जगह जा रहे हैं। याद रखो भगवान ने बेटा लिखा होगा तो अपने आप मिलेगा। मंदिर में जाते हैं लोग वो तो ठीक है, आजकल मस्जिद में भी जा रहे हैं, पीर बाबा के पास जा रहे बेटा हो जाए। दीति कहती कुछ ऐसा करो जो संतान हो जाए। महाराज कश्यप जी कहते सुनो, संतान जब होनी होगी हो जाएगी, तुम भगवान का भजन करो। लेकिन दीति ने बहुत जिद की, भगवान ने जो नसीब में नहीं लिखा उसको प्राप्त करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो वही जब चीज वस्तु मिलेगी तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। धुंधली को बेटा नहीं था लेकिन जबरदस्ती मांगा संत से, और जब बहन का बेटा धुंधकारी आया उसके घर, उसने पूरा सर्वनाश कर दिया। इसीलिए बेटा नहीं है तो गोविंद को बेटा मान लो, लेकिन जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। जो है ही नहीं भाग्य में उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है। पत्नी ने बार बार प्रार्थना की, और वो समय था शाम का, दोपहर की वेला जा रही थी, शाम आ रही थी। उसी समय जब जिद की तो महाराज कश्यप जी ने दिति के साथ सहवास किया, जिससे कि माता गर्भवती हो गई। ध्यान देना, वेद में 3 बातें बताई गई हैं। कभी भी शाम के समय याद रखिए, जब दोनों बेलाएं मिल रही हो तो कभी भी पहली बात तो भोजन नहीं करना चाहिए।